Hello friends, in the last videos we have studied about the passive elements. Okay, now we will start with the active elements. Now active elements means voltage source and the current source. So first we will start with the voltage source. Okay, now in voltage source we will study two types of voltage source. First is ideal voltage source and then practical voltage source. So ideal voltage source की आपकी क्या meaning होती है? Suppose करो ये आपका voltage source है, plus minus V. Source से आपकी एक current निकल रही है I. Okay, I take Vs and Is. Source voltage and source current. Okay, and this is voltage your V. Okay, अब इस V की meaning क्या है आपके? अगर आप देखें Vs और V दोनों किस में है आपके? Parallel में है. Okay, so parallel में जो आपके voltage होते हैं वो क्या होते हैं आपके? सेम होते हैं. सो Vs एंड V जो दोनों क्या है आपके? सेम है. ओके, नाउ मैं अगर यहां पर देखूं ध्यान से, ये जो V है आपका वो वोल्टेज है जो एक्सटर्नल सर्किट को मिलने वाला है. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है क्या? आइडियल वोल्टेज सोर्स इज द वोल्टेज सोर्स विच प्रोवाइड्स द सप्लाई टू द एक्सटर्नल सर्किट एट द वोल्टेज V which is independent of the source current. Means, यहाँ पर जो आपका V है, वो Vs के equal है. वो Is पे depend नहीं कर रहा है. मतलब जो voltage आपका external circuit को मिलने वाला है, वो depend नहीं कर रहा है source current पे. तब ये आपका कहलाता है ideal voltage source. So, अगर मैं simply एक graph draw करूँ ideal voltage source का, so आपका V versus Is, so this graph should always be constant. मतलब ये graph आपका IS के respect में हमेशा constant रहेगा. हमेशा इसकी value क्या होगी आपकी? VS ही होगी. Constant है. इसकी value हमेशा VS है. IS पे depend नहीं कर रही है. तो ये आपका कहलाता है ideal voltage source. Okay. Now, अब अगर मैं बात करूँ practical voltage source की, क्या होता है आपका practical voltage source? अगर मैं यहां पर देखूं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, सपोज अगेन मैं एक वोल्टेज सोर्स ले रहा हूं V, एक रजिस्टर ले रहा हूं सीरीज में, अगेन Vs एंड करंट इज सोर्स करंट इज Is. नाउ जो वोल्टेज V जो एक्सटर्नल सर्किट को मिलने वाला है आपका, क्या अब वो Is पे डिपेंड कर रहा है? हम लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है, although अभी तक हमने KVL नहीं पढ़ा है, लेकिन सिंपल KVL हम अप्लाई कर ही सकते हैं. ठीक है, तो IS जो है इस लूप में फ्लो हो रही है. ओके, सो KVL होता क्या है? वोल्टेज का समेशन, अलजेब्रिक समेशन. सो अगर हम देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहला साइन वोल्टेज VS का क्या आ रहा है? माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस VS. ओके, रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी है? IS, तो कितना हो जाएगा? IS * R. ओके, और इस V का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला साइन क्या है? प्लस, तो प्लस V. ओके, ऑल्दो मैं आपको KVL बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, बट अभी के लिए फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, आप जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो जो वोल्टेज का पहला साइन है वो आपको लेना है, और अगर आप रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हो रजिस्टर * करंट करके, तो हमेशा आपको प्लस लेना है. ओके, तो जो आपका VS कैलकुलेट हुआ है वो कितना कैलकुलेट हुआ है? V कैलकुलेट एक्चुअली VS माइनस IS * R. तो आपका V क्या है? VS माइनस ISR. लास्ट टाइम आइडियल में जो आपका V था वो किसके इक्वल था? VS के इक्वल था. ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस बार जो आपका V है वो IS पर भी डिपेंड कर रहा है. तो मैंने क्या कहा था? आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जो सोर्स करंट से इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, जिस जो वोल्टेज जो एक्सटर्नल सर्किट को देने वाला है वो वोल्टेज सोर्स करंट से क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट. लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ऐसा नहीं है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है. सो अगर मैं यहां पर अब इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, वोल्टेज सोर्स जो है आपका क्या है? V है. जो सप्लाई वोल्टेज आपको मिलने वाला है एक्सटर्नल सर्किट को वो क्या है आपका? V है. ओके, नाउ V वर्सेस अगर मैं यहां पर IS का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ये जो आपका ग्राफ है, अब जब IS की वैल्यू जीरो होगी तो V किसके इक्वल होगा आपका? Vs के. ओके, नाउ जब IS की वैल्यू इंक्रीज होते चले जाएगी तो यहां
आपके इक्वेशन में आईएस जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, ओके आईएस इनटू आर। तो जैसे जैसे आईएस आपका इंक्रीज होगा, आपका जो वी है वो क्या होता चला जाएगा, आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। आइडियली क्या होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, हमेशा वीएस पे कॉन्स्टेंट होना चाहिए था, बट यहां पर वीएस जो है आपका, या जो आप कह सकते हैं वी है आपका, वो लगातार क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा है, जब आपका रजिस्टर कनेक्टेड होता है सीरीज रजिस्टर, तो जो वी जो एक्सटर्नल सर्किट को जो मिलने वाला है, वो आपका जैसे जैसे आईएस इंक्रीज होगा वो लगातार क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स में। ओके तो दिस इज अबाउट वोल्टेज सोर्स। ओके नाउ अगर मैं वोल्टेज सोर्स में कुछ चीजें देख लूं, कुछ डेफिनेशंस या कुछ बोल सकते हैं कुछ सिंपल सिंपल सर्किट्स देख लूं, अगर मैं जैसे मैं बोल रहा हूं अगर दो वोल्टेजेस अगर आपके सीरीज में है, प्लस माइनस वी वन एंड प्लस माइनस वी टू, ओके तो क्या होगा, हम वैसे भी जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके तो अगर दो वोल्टेज आपके सीरीज में हैं तो वो वोल्टेज हमेशा क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस वी वन प्लस वी टू। ओके यहां पर ऐड क्यों हुए, क्योंकि दोनों के साइन प्लस प्लस ऊपर थे आपके, माइनस माइनस क्या थे, नीचे थे। अगर साइन अपोजिट होते तो वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाते। ओके पर सिंपल सी बात है, सीरीज में अगर होंगे तो या तो ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट होंगे। आगे जाके हम केवीएल में और अच्छे से इन चीजों को देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम इसके अक्रॉस एक केवीएल लगा देते, तो जैसे मैंने आपको बताया कि केवीएल में हम क्या करते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं सपोज करो, तो पहला साइन क्या आ रहा है वी का आपका, माइनस, वी वन का फर्स्ट साइन क्या आ रहा है, प्लस, और वी टू का फर्स्ट साइन क्या आ रहा है, अगेन प्लस, इक्वल टू जीरो। तो वी कितना हो जाएगा आपका, वी वन प्लस वी टू। तो इस तरह से हम कोई भी सीरीज कनेक्शन देख सकते हैं कि वोल्टेजेस आपके ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, सिंपल केवीएल लगाना है। आगे जाके हम केवीएल पढ़ेंगे तो हमें और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन चीजों की। ओके नाउ सपोज करो अगर आपके दो वोल्टेजेस जो हैं वो पैरेलल में हैं, वी वन एंड ये क्या है आपका वी टू है। ओके तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा। और आपको मैंने पैरेलल पहचानना बताया हुआ है कि अगर किसी भी एलिमेंट के दोनों तरफ एक एक पॉइंट बना दीजिए, अगर दोनों के दोनों पॉइंट्स अगर आपके सेम हैं, जैसे देखिए ये शॉर्ट है, कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं, पॉइंट सेम है आपका, ये भी आपका शॉर्ट है, कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो पॉइंट क्या है आपका, सेम है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ के दोनों पॉइंट सेम है तो क्या होगा, पैरेलल में होगा। ओके और हम जानते हैं, पहले से जानते हैं हम लोग कि पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। ओके नाउ अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम करें, सपोज करिए यहां पर एक वोल्टेज है प्लस माइनस थ्री वोल्ट, यहां पर एक रेजिस्टेंस है टू ओम का, यहां पर एक रेजिस्टेंस है आपका वन ओम का, ओके और यहां पर एक और वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस सिक्स वोल्ट। नाउ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि करंट आई कैलकुलेट करनी है आपको टू ओम के अक्रॉस। ओके अब अगर हम यहां पर देखें तो करंट आई कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, सिंपल सा सर्किट दिख रहा है आपको। ओके पर आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक तो आपको ना तो केवीएल सिखाया है, ना तो केसीएल सिखाया है, ना नोडल सिखाया है, ना मैथ सिखाया है, ना तो मैंने आपको कोई सर्किट वाला क्वेश्चन कराया है करंट निकालने या वोल्टेज निकालने वाला, तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं। तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह, अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें, देखो ये सारी ब्रांचेस किसमें है आपकी, पैरेलल में है। ओके और अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होने चाहिए आपके, सेम होने चाहिए। और यहां पर 3 वोल्ट और 6 वोल्ट पैरेलल में हैं, दो अलग अलग वोल्टेज हो ही नहीं सकते हैं पैरेलल में। ओके तो ये सर्किट जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसमें आप आई कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप जरूर देखना एक ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। तो आपको सोचना है कि ऑप्शन नन ऑफ दिस क्यों है, किसी भी एग्जाम में जब ऑप्शन एक ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस होता है, या सर्किट नॉट पॉसिबल या वैल्यू नॉट पॉसिबल, इस तरह का कोई क्वेश्चन में अगर ऑप्शन होता है आपका, तो आपको समझ जाना है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके सर्किट में। तो यहां पर ये सर्किट आपका फिजिकली एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। ओके
क्योंकि वोल्टेजेस पैरेलल में हमेशा क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वोल्टेज सोर्स. ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. नाउ सेम इसी पैटर्न में हम पढ़ सकते हैं करंट सोर्स. करंट सोर्स क्या होता है आपका, अगेन दो तरह के करंट सोर्स हमें पढ़ने होंगे. एक है आपका आइडियल, तो आइडियल में क्या हो जाएगा आपका करंट सोर्स IS, वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स, सोर्स वोल्टेज VS एंड करंट I, जो कि आपकी एक्सटर्नल सर्किट को मिलने वाली है. हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग होता क्या है, हम लोग अपने कॉलेज टाइम में ज्यादातर वोल्टेज सोर्सेस ही देखते हैं, करंट सोर्सेस हम देखते नहीं है. तो जिस तरह से वोल्टेज सोर्स से करंट निकलती है प्लस साइन से, उसी तरीके से हर एक करंट सोर्स के अक्रॉस क्या होता है, उसका वोल्टेज होता है. तो IS के अक्रॉस क्या है आपका वोल्टेज VS, तो सोर्स करंट एंड सोर्स वोल्टेज. अब ये I क्या है आपकी, वो करंट है जो कि आपके एक्सटर्नल सर्किट को मिलने वाली है. ओके, तो आइडियल करंट सोर्स आपका क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स इज द सोर्स विच प्रोवाइड्स द सप्लाई टू द एक्सटर्नल सर्किट एट करंट आई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स वोल्टेज. मतलब जो आई है आपका वो सोर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं यहां पर करंट सीरीज में सेम होता है, तो जो आई एस होगी वही क्या होगी आपकी आई होगी, तो आई इज इक्वल टू आई एस. तो ये आई जो है आपकी वो वी एस पे डिपेंड नहीं कर रही है. सेम तरीके से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहां पर, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा आपका I वर्सेस VS, तो ये आपका क्या होगा हमेशा कांस्टेंट. I हमेशा किसके इक्वल होगी, IS के, फिक्स वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी VS के रेस्पेक्ट में. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल में क्या होता है आपका, करंट सोर्स होगी एक आपकी IS, करंट सोर्स के अक्रॉस हमारा एक वोल्टेज होगा VS, बट स्पेलर में एक और रजिस्टर होगा आपका R. ओके, तो जो आपकी करंट I जो एक्सटर्नल सर्किट को मिलने वाली है, क्या उस R के कारण वो VS पे डिपेंड करेगी, अब हमें ये चेक करना होगा. ओके, आइडियल क्या कहता है, आइडियल ये कहता है कि ये I VS पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां चूंकि R लगा एक्स्ट्रा तो हमें चेक करना होगा. अगेन जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको KVL नहीं पढ़ाया है, उसी तरीके से मैंने आपको KCL भी नहीं पढ़ाया है, बट थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं अभी. तो अगर आप देखेंगे जो ये IS है वो यहां से अप्लाई हो रही है, यहां तक आई IS आपकी, वो कहां कहां डिवाइड होगी आपकी, यहां पर और इस I में. ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी अभी कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है आपका, सेम होता है. तो इस R के अक्रॉस जो वोल्टेज क्या होगा, वो VS होगा, तो करंट क्या हो जाएगी, VS अपॉन R. क्लियर है? तो ये जो आपकी IS है वो एक तो I में डिवाइड हो रही है, प्लस इस R के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उस पे डिवाइड हो रही है. तो R के थ्रू वोल्टेज कितना है, VS डिवाइड बाय रजिस्टर, क्या हो जाएगी आपकी, ये करंट हो जाएगी. ओके, अब अगर मैं यहां से I की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितनी हो जाएगी, IS माइनस VS अपॉन R. ओके, तो ये जो आपकी ग्राफ है यहां पर I वर्सेस VS का, अगर आप यहां ध्यान से इक्वेशन को देखें तो ये जो आपका I है वो VS पे अब डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे आप VS को इंक्रीज करेंगे, I आपका क्या होगा यहां पर, डिक्रीज होगा. ओके, तो यहां पर आप देखिए ग्राफ आपका, जब आप यहां पर VS की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो I किसके इक्वल होगा आपका, IS के. नाउ जैसे जैसे आपका VS इंक्रीज होता चला जाएगा, IS क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज. आइडियली आपका होना ये चाहिए था, जो आपका आई है वो IS पे क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट, बट आपका I जो है वो VS के साथ क्या होता चला जाएगा यहां पर, डिक्रीज होता चला जाएगा. तो ये होता है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स, जो एक्स्ट्रा R लगे होने के कारण आपका I जो सप्लाई मिलने वाली है एक्सटर्नल सर्किट को, वो डिक्रीज होते चले जाती है विद रिस्पेक्ट टू VS. ओके, नाउ अब अगर मैं करंट सोर्स में ध्यान से समझू, यहां पर अगर मैं सीरीज कनेक्शन लेता हूं करंट सोर्स में, दो करंट सोर्स आपके किस में है, सीरीज में है. ओके, ये आपका I1 ले लिया हम लोगों ने और ये आपका I2 ले लिया.
तो सीरीज में करंट क्या होते हैं हमारे, सेम होते हैं, ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, पता भी होना चाहिए पहले से। तो I2 इक्वल टू क्या है आपका, I1 है, ओके। नाउ अगर मैं सेम कंसेप्ट इस तरह से लूं कि दो करंट जो है आपके वो किसमें है, आपके पैरेलल में है दो करंट सोर्स, एक आपका I1 है और एक आपका क्या है, I2 है, ओके। तो यहां पर पैरेलल में है, दोनों अपर डायरेक्शन की तरफ है, तो क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो करंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर एक अपर होता है एक लोअर डायरेक्शन की तरफ होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाते, ओके। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट ही होंगे जब वो किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। इसका मीनिंग क्या है, जब भी करंट सोर्स पैरेलल में होंगे उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, जब भी करंट सोर्स सीरीज में होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम होगी, ओके। तो अगर वोल्टेज सोर्सेस की बात की जाए तो वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में डिफरेंट होते हैं और पैरेलल में सेम होते हैं। करंट सोर्सेस की बात की जाए तो करंट सोर्सेस जो हैं या करंट की जो वैल्यूज हैं वो सीरीज में सेम होती है और पैरेलल में क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये था आपका एक्टिव सोर्सेस के बारे में नॉलेज, करंट सोर्सेस एंड वोल्टेज सोर्सेस, ओके। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टडी द मोर कॉन्सेप्ट, मोर बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक केवीएल, केसीएल, मैश, नोडल, ओके। गुड बाय।